हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 12 महाद्वीप परिचय उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप के बारे में पढ़ाऊंगी। हम लोग पाठ को पढ़ते हैं। सृष्टि ने न्यूयॉर्क से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के चित्रों का एल्बम भेजा है। आइए देखें और जानें कि कैसा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। यहाँ कह रहे हैं कि सृष्टि ने न्यूयॉर्क से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के चित्रों का एक एल्बम यानी फ़ोटो पूरा भेजा है। वहाँ के अलग अलग जगहों का हम लोग देखते हैं और जानते हैं। यहाँ पे चित्र दिया गया है रॉकीज पर्वतमाला का, ग्रैंड कैनियन कोलोराडो, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आगे हम पढ़ेंगे यूएसए अमेरिका के संयुक्त राज्य, कनाडा, मेक्सिको और कैरेबियन क्षेत्र के देश और द्वीपों का बना हुआ महाद्वीप है। वह 2.44 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला यह महाद्वीप 16% भूभाग यानी जमीन को रोकता है। यहाँ के मूल निवासी के रूप में रेड इंडियन प्रजाति मानी जाती है, लेकिन ब्राह यूरोपीय जनता के आक्रमण और पारस्परिक संबंधों के कारण प्रवर्तमान अमेरिकन संस्कृति का विकास हुआ है। यहाँ बताया गया कि यूएसए अमेरिका के संयुक्त राज्य, कनाडा, मेक्सिको और कैरेबियन क्षेत्र के देश और द्वीपों का बना हुआ महाद्वीप है। वह 2.44 लाख वर्ग किलोमीटर वाला क्षेत्रफल यह महाद्वीप 16% भूभाग पर फैला हुआ है। यहाँ के मूल निवासी के रूप में रेड इंडियन प्रजाति मानी जाती है। रेड इंडियन उनको बोलते हैं जो उत्तर अमेरिका इंडियन और दक्षिण अमेरिका के प्राचीनतम निवासी हैं। वे मंगोलिया प्रजाति की एक शाखा माने जाते हैं, लेकिन बाहरी यूरोपीय जनता के आक्रमण और लगातार संबंधों के कारण प्रवर्तमान अमेरिकन संस्कृति का विकास हुआ है। आगे है इतना जानिए, अमेरिका का नाम महाद्वीप के शोधकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर से नहीं, बल्कि शोधनकर्ता इटली के अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर से पड़ा है। कोलंबस और अमेरिगो वेस्पुची ने कैसे सफ़र किया होगा? कोलंबस ने पृथ्वी के जिस भूमि भाग पर पैर रखा था वह स्थान मानचित्र में ढूंढिए। यहाँ चित्र दिया गया है क्रिस्टोफर कोलंबस पाल वाला जहाज अमेरिगो वेस्पुची का। आगे पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र देखकर पर्वतमाला, रेगिस्तान, टापू और झीलों एवं समुद्रों को ढूंढकर नोटबुक कॉपी में नोट कीजिए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप उत्तर में आर्कटिक महासागर से शुरू करके पनामा राज्य तक फैला हुआ है, जिसमें उत्तरी ध्रुववृत्त कनाडा के उत्तर में से गुजरता है। उसी तरह कर्कवृत्त मैक्सिको के मध्य यानी बीच में से निकलती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर दक्षिण लंबाई 9,654 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई उत्तर में कनाडा में 6,033 किलोमीटर से कम होते होते दक्षिण में 482 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। इस प्रकार दक्षिण में सकरा यानी पतला होता जाता है। इस तरह विस्तृत देशांतर रेखाओं के बीच बटा हुआ होने से उत्तर अमेरिका में 4 समय पट्टियां मानक समय के लिए निश्चित की गई हैं। यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र दिया गया है। यहाँ कह रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र देखकर पर्वतमाला, रेगिस्तान, टापू और झीलों एवं समुद्रों को ढूंढ कर नोटबुक में आप लोग लिखिए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप उत्तर में आर्कटिक महासागर से प्रारंभ करके पनामा राज्य तक फैला हुआ है, उसका विस्तार हुआ है, जिसमें उत्तरी ध्रुववृत्त कनाडा के उत्तर में से वह गुजरता है। उसी तरह कर्कवृत्त मैक्सिको के बीच में से निकलती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर दक्षिण की लंबाई 9,654 किलोमीटर तक है, जबकि उसकी चौड़ाई उत्तर में कनाडा में 6,033 किलोमीटर से कम होते होते दक्षिण में 442 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। इस प्रकार दक्षिण में पतला होता जाता है। इस तरह विस्तृत देशांतर रेखाओं के बीच बटा हुआ विभाजित हुआ होने से उत्तर अमेरिका में 4 समय पट्टियां मानक समय के लिए निश्चित की गई हैं। आगे पढ़ेंगे
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और अलास्का तथा ग्रीनलैंड जैसे उत्तरी हिस्से के इलाके हिमाच्छादित यानी बर्फ से ढके चट्टाने हैं, इसलिए कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। लेकिन घिसाई की प्रक्रिया के कारण इस प्रदेश में छोटी बड़ी झीलों का निर्माण हुआ है, जैसे कि 5 महान झीलें सुपीरियर, ह्यूरोन, एरी, ओंटारियो और मसीगन, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच प्राकृतिक यानी कुदरती सरहद यानी सीमा की रचना करती है। यहाँ बताया गया है इसमें कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और अलास्का तथा ग्रीनलैंड जैसे उत्तरी हिस्से के इलाके में बर्फ़ से ढकी चट्टाने हैं, इसलिए खेती के लिए यह उपयोगी नहीं है। लेकिन लगातार जो बर्फ घिसता है उस कार्य के कारण इस प्रदेश में छोटी बड़ी झीलों का निर्माण हुआ है, रचना हुई है, जैसे कि 5 महान झीलें हैं सुपीरियर, ह्यूरोन, एरी, ओंटारियो और मिशिगन, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच कुदरती सीमा की रचना यानी निर्माण करती है। आगे पढ़ेंगे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में विशाल मैदान आए हुए हैं जिसमें मिसिसिपी, मिसूरी, मैकेंजी नदियों के कारण मैदानों की रचना हुई है, जो प्रेरीज के मैदान के नाम से जाने जाते हैं, जो गेहूं की खेती और विपुल मात्रा में उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ बताया गया है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बहुत बड़ा मैदान उपस्थित है, मौजूद है, जिसमें मिसिसिपी, मिसूरी, मैकेंजी नदियों के कारण मैदानों का निर्माण हुआ है, रचना हुई है, जो प्रेरीज के मैदान के नाम से जाना जाता है, गेहूं की खेती के लिए और अधिक विपुल यानी अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, प्रख्यात है। आगे पढ़ते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पूर्व पश्चिम तट पर दो विशिष्ट पर्वत श्रृंखलाएँ आई हुई हैं। पूर्वी तट पर समांतर हिमाच्छादित पर्वतमाला जिसमें माउंट मोंकिले सबसे ऊंचा शिखर है। यहाँ एस्किमो जाति अलास्का इलाके में इग्लू जैसे विशिष्ट आवास बनाकर रहती हैं तथा रेंडियर, सील, वोलरस, भेड़िया और भालू जैसे विशिष्ट प्राणी देखने को मिलते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कह रहे हैं कि पूर्व और पश्चिम किनारे पर दो खास पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद हैं, उपस्थित हैं। पूर्वी किनारे पर समांतर हिमाच्छादित यानी बर्फ से ढकी पर्वतमाला है जिसमें माउंट मोंकिले सबसे ऊंचा शिखर पर्वत है। यहाँ एस्किमो जाति अलास्का इलाके में इग्लू जैसे खास आवास यानी घर बनाकर रहती हैं तथा रेंडियर, सील, वोलरस, भेड़िया और भालू जैसे खास प्राणी देखने को मिलते हैं। आगे, जलवायु, वनस्पति और प्राणी जगत, इसके बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी अमेरिका में उत्तर के कनाडा, अलास्का और पहाड़ी इलाके में शीत और शुष्क यानी सूखी ऐसे तुंडा प्रकार की जलवायु का अनुभव होता है। खंड के मध्य भाग में विषम जलवायु तो दक्षिण में मैक्सिको तथा और मध्य अमेरिका में प्रमाण में ऊंचा तापमान और तटीय इलाके में समघात जलवायु देखने को मिलती है। यहाँ ज़्यादा बारिश और टेक्सास राज्य में अत्यधिक गति वाले चक्रवात यानी तूफान चलते हैं जिसे टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है, जो यूएसए में कभी कभी जान माल का खूब नुकसान पहुँचाता है। जलवायु, वनस्पति और प्राणी जगत के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि उत्तरी अमेरिका में उत्तर के कनाडा, अलास्का और पहाड़ी इलाके में शीत यानी ठंडी और शुष्क यानी सूखा ऐसे तुंडा प्रकार की जलवायु का अनुभव होता है, महसूस किया जाता है। खंड के मध्य भाग में विषम जलवायु तो दक्षिण में मैक्सिको और मध्य अमेरिका में प्रमाण में ऊंचा यानी अधिक गर्मी और तटीय यानी किनारे के इलाके में समघात यानी एक समान जलवायु देखने को मिलती है। यहाँ ज़्यादा बारिश और टेक्सास राज्य में अत्यधिक रफ्तार वाले चक्रवात यानी तूफान चलते हैं जिसे टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है, जो यूएसए में कभी कभी जान माल का खूब नुकसान पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की विशेषताओं के बारे में यहाँ चित्र में दिया गया है। माउंट मोंकिले, अलास्का और रेंडियर का चित्र दिया गया है। प्रेरीज के मैदान हैं,
कोलोराडो नदी ग्राउंड कैनियन का चित्र है। नायगरा झरना का चित्र दिया गया है। पोपोकेटी पेटल मैक्सिको का ज्वालामुखी यहाँ पे दिया गया है, उसका तस्वीर। समशीतोष्ण कटिबंधीय जंगल का यहाँ चित्र दिया गया है। आगे नीचे दिया गया है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का प्राणी जीवन, जिसमें सील, व्हेल, कोड, सफ़ेद भालू का चित्र दिया गया है। आगे पढ़ेंगे कनाडा, इसके बारे में पढ़ेंगे। पश्चिमी गोलार्ध का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। कनाडा का आधा हिस्सा सख्त यानी कठोर और ठोस चट्टानी भूमि के द्वीप समूहों का बना हुआ है। इस प्रकार विस्तृत इलाके के कारण कनाडा की जलवायु खंडस्थ और समुद्र तट का अलग अलग असर देखने को मिलता है। कनाडा के बारे में यहाँ बताया गया है कि पश्चिमी गोलार्ध का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा यह देश है। कनाडा का आधा भाग ठोस और सख्त यानी मजबूत चट्टानी भूमि के द्वीप समूहों का बना हुआ है। इस प्रकार विस्तृत यानी फैले हुए इलाके के कारण कनाडा की जलवायु खंडस्थ यानी बटे हुए और समुद्र का किनारा अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। आगे पढ़ेंगे कनाडा में ज़्यादातर प्रदेश गर्मी की ऋतु में ठंडे और ठंडी की ऋतु में अत्यधिक ठंडे होते हैं। ऐसी तुंड प्रकार की जलवायु में शंकुद्रुम प्रकार की वनस्पतियाँ दिखाई देती हैं। यहाँ भालू, सफ़ेद गीदड़, हिरन, ओटर और वीबर एवं रेंडियर जैसे प्राणी दिखाई देते हैं। न्यूफाउंडलैंड की छिछले तट से भारी मात्रा में मछलियाँ मिलने के कारण यहाँ मत्स्य उद्योग का विकास हुआ है। आगे कनाडा के प्रदेशों के बारे में बताया गया है कि कनाडा में ज़्यादातर प्रदेश गर्मी की मौसम में ठंडे और ठंडी की मौसम में अत्यधिक ठंडे हो जाते हैं। ऐसी तुंड प्रकार की जलवायु में शंकुद्रुम प्रकार की वनस्पतियाँ यानी पेड़ पौधे अधिक दिखाई देती हैं। यहाँ भालू, सफ़ेद गीदड़, हिरन, ओटर और बीबर एवं रेंडियर जैसे प्राणी देखने को मिलते हैं। न्यूफाउंडलैंड के छिछले यानी कम गहरे किनारे से भारी मात्रा में मछलियाँ मिलने के कारण यहाँ मत्स्य उद्योग का विकास हुआ है, वृद्धि हुई है। आगे पढ़ेंगे कनाडा खनिजों में एस्बेस्टोस के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। निकल और प्लेटिनियम के सबसे ज़्यादा उत्पादन में भी वह प्रथम स्थान पर है। ओटावा राजधानी का शहर है। मॉन्ट्रियल, टोरंटो, विनिपेग, हैमिल्टन जैसे शहर आए हुए हैं। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। आगे कनाडा के बारे में यहाँ बताया गया है कि कनाडा खनिजों में एस्बेस्टोस के पैदावार में विश्व में सबसे पहला स्थान रखता है। निकल और प्लेटिनियम के सबसे ज़्यादा उत्पादन में भी वह पहला स्थान पर ही है। ओटावा राजधानी का शहर है। मॉन्ट्रियल, टोरंटो, विनिपेग, हैमिल्टन जैसे शहर यहाँ पे बसे हुए हैं। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। बच्चों आज के लिए इतना ही। आगे का भाग आगे के वीडियो में आप लोग को पढ़ाएंगे। जितना पढ़ाया गया उसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।